इमरान खान ने पंजाब की हुकूमत हासिल करने के बाद जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, जो सबसे बड़ा हुक्म दिया है और फैसला किया है, वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही को बता दिया है कि पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की और राणा सनावला की एंट्री बंद करनी है और बंद करके इनको पंजाब के अंदर दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि पंजाब के अंदर इस टाइम इमरान खान की हुकूमत है। जिस तरह से इमरान खान के साथ इन्होंने सलूक किया था, जिस तरह से इमरान खान के साथ और उनके कारकुनों के साथ, देखिए जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, धरने की कॉल दी थी, तो आपको याद है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस तरह से इमरान खान के ऊपर और उनके कारकुनों के ऊपर लाठियां बरसाई, शेलिंग की, गिरफ्तारियां की, छापे मारे और क्या कुछ नहीं किया। और उन दिनों में इमरान खान की गिरफ्तारी का, अरेस्ट करने का भी प्लान बन चुका था। इसी वजह से इमरान खान ने जमानत करवाई, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए और खैबर पख्तूनख्वा से निकले और वहाँ से उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च किया और धरना दिया था। लेकिन पंजाब के अंदर उस वक्त और मरकज़ के अंदर नून लीग की जो हुकूमत थी, उसमें राणा सनाउल्ला और शहबाज शरीफ ने ये प्लान बना के रखा हुआ था कि कारकुनों को आने नहीं देना, इमरान खान के लोगों को आने नहीं देना और इनको गिरफ्तार करना है, इनको किसी तरह से भी इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं होने देना। ये बड़ा वाज़ेह प्लान था। अभी भी आप देखें कि जब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट का, एहतजाज का ऐलान किया, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने पूरा का पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगा दिए, आवाम का जीना हराम कर दिया था। ये सूरत हाल बना देते हैं ये लोग। अब इमरान खान ने कहा है कि पंजाब के अंदर मेरी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला तो अलग है, लेकिन पंजाब के अंदर इन लोगों की एंट्री या मुकम्मल तौर पर बंद है। इन लोगों ने पंजाब के अंदर जैसे ही एंटर होना है, आपने फौरन गिरफ्तार करना है और दो केसेस इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, राणा सनाउल्ला के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। एक तो जो सबसे बड़ा केस है वो है मॉडल टाउन का। मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह से इन्होंने बंदे कत्ल किए, जिस तरह से इन्होंने कत्लेआम किया, दिन दिहाड़े लोगों को मारा, सीधी गोलियां मारी, वो एक ऐसा केस है जिसकी वजह से ये दोनों अंदर होंगे, दोनों अभी इनके ऊपर केस खुलने हैं। इमरान खान ने बाकायदा ऑर्डर दे दिया और इस बारे में चौधरी परवेज इलाही को कह दिया है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान मुलाकात के लिए आए थे पंजाब का, उन्होंने टूर किया था और सारी ये डिस्कशन की थी, जो मुलाकात की थी उसमें वाज़ेह तौर पर जो दो चीज़ें बताई थी, एक तो ये था कि मॉडल टाउन का केस खोलना है, और मॉडल टाउन का केस इमरान खान ने कहा, मुझे ख़ास तौर पर ताहिरुल कादरी ने कहा कि मॉडल टाउन का केस खोलना है, उसमें इंसाफ नहीं हुआ और अभी इंसाफ होना चाहिए, मॉडल टाउन का केस खोलें और इनको अंदर करें, इनको जेल में डालें। ये पहला ऑर्डर था। और दूसरा ऑर्डर यह था कि जो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी और गारंटर के तौर पर इन्होंने नवाज शरीफ को बाहर निकालने में किरदार अदा किया था, वो वाला केस भी परसू करना। अब इसी वजह से इनकी एंट्री, इनका दाखिला बंद कर दिया गया है पंजाब के अंदर, राणा सनाउल्ला का, शहबाज शरीफ का। एक तो पहले ही वो डरे हुए, एक तो पहले उनको खौफ है, एक तो दो चीज़ों का इस वक्त खौफ है, शहबाज शरीफ को और पूरी पीडीएम को, आसिफ जरदारी को और मौलाना फजल रहमान को। एक तो इस टाइम वो इलेक्शन कॉल नहीं करें, इलेक्शन ना कॉल करने की वजह यह है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान पे है। इस टाइम अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान बड़ी आसानी के साथ 2/3 मेजॉरिटी निकाल लेगा। इसी वजह से इन्होंने ये प्लान किया है कि इमरान खान को डिसक्वालीफाई करना है, इमरान खान को ना अहल करना है। और अभी जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त पार्टी बना हुआ है, देखिए जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उसके अंदर इतनी दो नंबरी और इतना बोगस किस्म का केस है, और सारे जितने अकाउंट्स हैं उनकी आप डिटेल्स देखें, वो इस तरह से सब दो नंबरी करके उन्होंने अकाउंट की डिटेल बनाई हुई है। तो एक तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला निकलवा दिया और बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उन्होंने मुलाकातें की, और मुलाकातें करने के बाद ये वाला फैसला निकाला। और दूसरा क्या किया, दूसरा इन्होंने ये प्लान किया कि इस केस को लेके अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है और पूरा रेफरेंस दायर करना है, और रेफरेंस के ऊपर इन्होंने इमरान खान को डिसक्वालीफाई करना है। और डिसक्वालीफाई करने का मतलब ये है कि इमरान खान को ताहयात ना अहल करना। 62(1)(f) जो आर्टिकल लगा था, जो नवाज शरीफ के ऊपर यही वाला आर्टिकल लगा था, यही वाला उनके ऊपर ये डिसक्वालिफिकेशन है, जो कि डील करने की वो कोशिश करते हैं कि मेरी डिसक्वालिफिकेशन को ख़त्म किया जाए और साथ ही मरियम नवाज की डिसक्वालिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। तो इनको दो ख़तरे इस टाइम महसूस होते हैं इमरान खान से, एक तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इलेक्शन कॉल नहीं करते,
और दूसरा जो इस वक्त उनको खतरा है वो ये कि अगर इमरान खान अगर नई हुकूमत बनती है तो 2/3 मेजोरिटी लेके इमरान खान आ जाएगा, उसके बाद ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएगा और हम सबको अंदर कर देगा, हम सबको जेलों में डाल देगा, उसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाना है, उसकी वजह से हमारा पट्टा बैठ जाना है। एक तो पहले हमने मुल्क का बेड़ा कर करके जो आवाम को अपने खिलाफ किया, आवाम का जो जीना हराम किया, उसकी वजह से आवाम हमारे खिलाफ हो गई, आवाम इनको बददुआएं देती है, आवाम इनको बुरा भला कहती है, इसी वजह से ये डरते हैं कि अब हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। ये अब ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत करना चाहते हैं, उसको लंबा लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम अज़ कम हमें 6 महीने मिल जाएँ ताकि हम थोड़ा सा रिकवर कर जाएँ और ये वाला जो मामला इस टाइम हम कर रहे हैं इसको आवाम भूल जाए और उतनी देर तक हम बयानियाँ बिल्डअप कर लें और नवाज शरीफ को भी वापस ले आए। लेकिन नवाज शरीफ को इस टाइम वापस लाना पूरी की पूरी नून लीग का इस टाइम एक ही मकसद है कि नवाज शरीफ को किसी तरह से वापस लेकर आए, क्योंकि इस टाइम पूरी की पूरी नून लीग जो इमरान खान है उसका बयानियाँ काउंटर नहीं कर सकती, उसका नैरेटिव, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको काउंटर नहीं कर सकती। बड़ा मुश्किल हो गया। आप देखेंगे जब भी मरियम नवाज ने किसी भी जगह पर कैंपेन की तो वहाँ पर नून लीग बुरी तरह हारी है। ये अभी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कैंपेन की, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इन्होंने बड़ी धांधली की कोशिश की है और धांधली करके इन्होंने 3-4 सीटें भी निकाली, वो धांधली करके निकाली, नहीं तो इमरान खान ने यहाँ भी क्लीन स्वीप कर जाना था और 20 की 20 सीटें निकाल लेनी थी। यहाँ पर मरियम नवाज ने कैंपेन की, वो इलेक्शन हार गए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैंपेन की, वो इलेक्शन हार गए। आज़ाद कश्मीर के अंदर कैंपेन की, वो इलेक्शन हार गए। तो इनको अंदाज़ा हो गया, पूरी की पूरी नून लीग को पता चल गया है कि मरियम नवाज या कोई आदमी नून लीग के अंदर कोई भी कैंपेन नहीं कर सकता इमरान खान के खिलाफ। जिस तरह से वो जलसे जलूस और पूरी पब्लिक कैंपेन चलाता है उस तरह का कोई आदमी नहीं कर सकता। इसी वजह से उनको फिक्र पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और नवाज शरीफ को वापस ला के इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया जाए और उसको मैदान में लाया जाए, नहीं तो हमारा तो कबाड़ा निकल जाना है। एक पहली सियासी तौर पर जो पार्टी है वो बिना खरक हो गई है, दो ग्रुप अंदर बन गए हैं, एक मरियम नवाज का, एक नवाज शरीफ का और दूसरा शहबाज शरीफ का। अब शहबाज शरीफ भी फरार होने वाले मुल्क से और हमजा शहबाज पहले फरार हो गया है और लंदन के अंदर उन्होंने पूरी डिटेल पूरी ब्रीफिंग दी है कि हमारे खिलाफ वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो पार्टी का बेड़ा खर्क हो रहा है उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अब इमरान खान ने ये फैसला किया है कि जैसे ही ये पंजाब के अंदर एंटर होंगे राणा सनावला और शहबाज शरीफ इनको फौरन गिरफ्तार कर लेना, एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं एयरपोर्ट से इनको फौरन गिरफ्तार करना है, ये किसी तरह से भी आते हैं इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करना और जेल में डालना है, क्योंकि इनके ऊपर जो 2 केसेस बने हुए हैं, एक मॉडल टाउन का और दूसरा ये जो गारंटर बने थे और मनुष्यात और ड्रग्स का केस वैसे ही राणा सनावला के ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा केस है, वो तगड़ा केस है। दोनों केसेस अब इनके ऊपर चलाने हैं, एक मॉडल टाउन का लेकिन वो बड़ा केस है जिसके अंदर इन्होंने लोगों को मारा, जिसके अंदर इन्होंने सीधे फायर मारे और मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े इन्होंने जो कत्लेआम किया उसकी वजह से ये अब केस खोलना है। और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग और गारंटर वाला जो केस है, जो कि शहबाज शरीफ गारंटर थे और उस एफिडेविट के ऊपर इन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाना है। इमरान खान ने कहा है कि इस केस को परसों करें ताकि शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाएं और शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवा के इनको जो वजारत उस्मा इन्होंने ज़बरदस्ती हासिल की है, जो यहाँ पर 2 नंबरी करके सियासी तौर पर इन्होंने जो चालबाजी की, जो यहाँ पर इन्होंने धोखा दिया, उस वजह से यहाँ पर इनको वजारत उस्मा से निकालना है। अब इमरान खान ने चौधरी परवेज भाई को कह दिया है कि जैसे ये पंजाब के अंदर एंटर हो इनको गिरफ्तार करें, इनको जेल में डालें और पंजाब के अंदर इनका दाखिला बंद किया जाए।